हेलो मरबानी, अस्सलाम वालेकुम। तो यार आपको पता है, जैसे दुनिया में 99.999% फूफियां लड़ाइयां कराती हैं और इनकी वजह से बेचारी बदनाम सारी होती हैं, सेम इसी तरह टिकटॉक पे भी 99.999% लोग क्रिंज घटिया और अपने जैसी फजूल वीडियोस ही बनाते हैं और इनकी वजह से बदनाम बेचारे सारे टिकटॉकर हैं। तो यार आज भी हम इन फजूल, घटिया, बदनाम और क्रिंज लोगों की बात करेंगे। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले ना डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर फन, सो प्लीज डोंट हेट एनीवन एंड डोंट टेक इट सीरियस। अगर फिर भी किसी बंदे की तबीयत ज्यादा खराब होती है तो बड़ी पुप्पो से राबता करें। चौका अभी अगर पीछे से सिग्नल खुल गया ना तो इसका स्लो में इतना तेजी से भागेगा कि भागता हुआ नजर भी नहीं आना। अभी अगर सिग्नल खुल गया ना तो सिग्नल खुलने के साथ साथ इसका भी बहुत कुछ खुल जाना है। अभी अगर सिग्नल की लाइट ग्रीन हो गई तो लोगों ने इसके सर की रेड लाइट ऑन कर देनी है। अभी तो सिग्नल बंद है, तभी तो लोग आराम से देख रहे हैं, लेकिन तब नहीं देखेंगे और तेरा बाकी का स्लोमो जहन्नम में पूरा होगा विद 7,1950 कोड़े तेल के कढ़ाई पे उल्टा लटका के। कुछ लोग इसे कॉन्फिडेंस का नाम देंगे, लेकिन इसे कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि बेशर्मी की आखिरी हद कहते हैं। इसे देख देख के मुझे शर्म आ रही है। इसने लगता वो कहावत नहीं सुनी कि कुत्ती मजे लेती लेती ट्रक के नीचे आ गई थी। इशारा खुल गया तो इसने कहावत चेंज कर देनी है कि कुत्ता मजे लेता लेता बाबे के नीचे आ गया। एक टाइम था कि सिर्फ मांगने वाले इशारा बंद होने का वेट करते थे, लेकिन अब ये टिकटॉकर भी इस काम में पेश पेश अपनी पेश कर रहे हैं ताकि इनको लानते और लाइक मिले। यहाँ पे ये लोग बंद इशारे के आगे से गुजर के खुद को इमरान खान समझ दिए हैं, हालांकि ऐसे बंदे खुद को शीशे में देख के खुद ही कह रहे होते हैं तू मेरे लेवल का आदमी नहीं। शो रहा पीछे खड़े भाई को शर्म आ गई है, वो पीछे हट गया पर इसे नहीं आई। ये शुक्र करे भाई शरीफ था हट गया, अगर कोई हरामी होता तो इसने हटना ही नहीं था, फिर इसने नाराज हो जाना था। हराम खोर। जैसे ये पीछे जा रही है लगता है कोई कैरी डब्बा रिवर्स कर रहा है। जैसे ही अन्य वहाँ पीछे जा रही है, इससे साबित होता है कि लड़कियां चाहे पीछे जा रही हो या आगे बढ़ रही हो, इनको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। बस रास्ते में गोलगप्पे या चटपटे आलू छोलो वाला ना हो। वैसे किस्मत तो इस भाई की है, लड़की खुद उल्टे पांव चल के इसकी तरफ जा रही है और एक ही तरह हम है, हमारी तरफ सिर्फ मसलों के अलावा कोई बहन का टक्का चल के नहीं आता। कभी कभी तो लगता है दुनिया के सारे मसलों को किसी ने मारा पता पकड़ा दिया। वो आए दिन ऐसे हमारी तरफ आते हैं जैसे हमने उनकी बाजी का रिश्ता मांग लिया हो। नहीं, ये लड़की इतनी मशक्कत करके किसकी तरफ भागती हुई जा रही है, पीछे का जंगले को जफ्फी डालनी है इस लड़की। मेरा मतलब है पुराने स्पेयर पार्ट्स की दुकान को छोड़ो, इस नशे ही लड़के पे आते हैं। ऐसे लोग होते हैं किसी पार्क के बाहर लिखा होना कि यहाँ जानवर को लाना मना है तो अंदर ही नहीं जाते, और ऊपर से इसकी हंसी देख के लगता है कि पाकिस्तान में सिर्फ दो ही बंदे खुश हैं जो बिला वजह ही हंसते रहते हैं, एक ये और एक अली खान हैदराबादी। एक तो मुझे अली खान हैदराबादी की समझ नहीं आती, पता नहीं कौन सा जादू का चिराग इसके हाथ लग गया, आधे पाकिस्तान की लड़कियां तो इसके पीछे मरती हैं। वैसे जो इसके पीछे मरती हैं वो मर क्यों नहीं जाती, इसके पीछे मरने से बेहतर है लड़कियां डूब के मर जाएं, इसके पीछे मरने से बेहतर है लड़कियां जहर खा के मर जाएं, इसके पीछे मरने से बेहतर है लड़कियां सरफ खा के मर जाएं, अंदर से पुराने गुनाह भी धुल जाएंगे। वैसे अगर मैं इसके पीछे होता तो मैंने भी मर ही जाना था, क्योंकि वो ही बड़ी आती है। ये पाकिस्तान का सबसे लंबा और कमजोर खुसरा है, ये भी एवी हर टाइम टिकटॉक पे जलील होता रहता है। इसे चाहिए किसी साइकिल वाले के पास जाके अपना चक्का सीधा करवाए। ये इतना लंबा खुसरा है, इसने सेकने के लिए अपने घर की छत के ऊपर हीटर लगवाया। ये इतना लंबा खुसरा है, डांस करते करते अक्सर घर के छत वाले पंखे में हाथ दे लेता है। किसी ने अपनी अच्छी भली आंखों को बवासीर करवानी हो तो इसका डांस देख लो। एक ये बंदा बालों पे पता नहीं कौन से खोते की पूंछ उधार लेके लगाता है, किसी वीडियो में लगी होती है किसी में नहीं, और इसकी सेहत देख लो, जिस वीडियो में इसने खोते की पूंछ सर पे लगाई होती है ऐसा लगता है किसी ने छोटी के ऊपर टांगी हो। इसकी सेहत देख के लगता है खुसरा टायर के नीचे आया। किसी शादी ब्याह पे दो तीन अट्टे कट्टे खुसरे बुलवाओ ना तो एक इस तरह की मस्कीन खुसरी साथ चुंगे में आती है वेलें शेलें पकड़ने के लिए। आपने मस्कीन खुसरी तो देख ली, अब मिली है मस्कीन शाहरुख खान अलमरूफ चुइयां वाली सरकार से। खुदा दा वास्ते तेनू जकात च मिले शाहरुख खान, एक बारी सिर्फ एक बारी अपना मुंह सीधा करके दिखा दे। हर दफा मुंह ऐसे बनाया होता है जैसे चुई कड़िक्की में आ गई हो या गरम गरम चाय पी लियो, और पीछे म्यूजिक इसने डोन वाला लगाया। यार तू चंगा डोन है, डोन होके भी तुझे गाड़ी के अंदर नहीं बिठाया बल्कि पीछे डिक्की में सूटा है, हो सकता है इसे इसलिए ना बिठाते हो, ये गाड़ी की सीटें कुतर कुतर के खा जाता हो। मुझे तो इसे देख के डर लग रहा है कि कहीं बोनट ना गिर जाए, क्योंकि अगर बोनट गिरा तो इसकी एक ही और आखिरी आवाज आनी है।
और इसका अंतिम संस्कार खत्म। इस चूंडी खाने शाहरुख खान बनने के चक्कर में मुंह मींगा टेढ़ा करके मुंह को टीरिया करवा लेना। इसका मुंह देख के लगता है कि इसको कोई पुरानी कब्ज है। देख भाई, अगर तुझे कोई पुरानी कब्ज है तो किसी गुज्जर से राबता कर, ताकि वो तुझे अपना दूध शूद पिला के तेरी कब्ज तोड़े। कटो कट तेरा मुंह तो सीधा हो, यहाँ जाके कोई ड्रिप श्रिप लगवा। ये दुनिया का वाहिद बंदा होगा जिसे ड्रिप बाजू पे नहीं बल्कि पीछे लगेगी, क्योंकि बाजू चमास ही नहीं, सुई सीधा हड्डी में घुस जानी है। इसकी सेहत भी देख लो, लगता है दो सफों वाली कॉपी होती है। अभी शाहरुख खान और फडोले शाह की चुई को छोड़ के अगली वीडियो देखते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पादे ते मूंच मारो शावा, नाले खिच खिच के मारो शावा, नाले गज वज के मारो शावा, नाले बार बार मारो शावा, ताके नु शर्मा आमन शावा। बंदा डंडा ले और इसकी पद वाली जगह पे तब तक मारे जब तक इसका पद अंदर ही विफात ना पा जाए। इस बंदे की आईडी लोगों ने रिपोर्टें मार मार के कई दफा बंद करवाई है, पर ये ऐसा कोई कुत्ती नस्ल का, ऐसा कोई डीड नस्ल का दोबारा आ जाता है। सारी दुनिया का गंद एक तरफ और टिकटॉक पे इस बंदे का गंद एक तरफ। हर बंदे की तरह इसने भी तरक्की की है, टट्टी से पद पे आ गया। अगर इसको बचपन में कीड़े मारने वाले टीके लगे होते तो आज इसकी ये हालत ना होती। मैंने बड़े बड़े डीड देखे हैं लेकिन इसका लेवल नहीं पकड़ सकते यार। जो लोग भी इसकी गली में रहते हैं और तुम्हारी मेहरबानी यार इन्हू किसी गटर से सुट के आओ, इन्हने वक्रियां यकियां लाई हैं। अब बंदा थोड़ी है टट्टी है, गल पक्की है। ऐ सब तो वड्डा कंजर है, गल पक्की है। ऐ सब तो वड्डा जलील है, गल पक्की है। ऐ सब तो वड्डा मनूस है, गल पक्की है। ए इंसान नहीं है, खोता है, गल पक्की है। तो यार आप लोगों को मैंने बताना था कि मेरी यूनिवर्सिटी में फाइनल चल रहे हैं, इसलिए वीडियोस काम आ रही हैं। जैसे ही पेपर खत्म होते हैं तो इंशाल्लाह दोबारा इतनी वीडियोस डालनी है कि यूट्यूब भर देनी है। यूट्यूब ने भी कहना है कौन है भाई तू, तो बस कुछ दिन और सबर कर लो, इसके बाद आपके भाई ने अन्नी पा देनी है। पर आज के लिए इतना ही। तो यार बस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक करोगे तो वीडियो हिट होगी, और जब वीडियो हिट होगी तो मोटिवेशन आएगी, और जब मोटिवेशन आएगी तो नई वीडियोज आएंगी, और जब नई वीडियोज आएंगी तो ज्यादा मजा आएगा, और जब ज्यादा मजा आएगा तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ वाली बल्कीस कैंडी को ऑल पे कर देना, क्योंकि उससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलना, लिंक नीचे दी है। सॉरी 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 सॉरी। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलना, लिंक नीचे कमेंट में है। तो अच्छा यार, मैं हूं असल सरकार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गया।